कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपके स्वागत बा बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन पर कार्यक्रम संस्कृति सरोवर लेके अगली रात इसने कैमरा पर्सन पीबी सोमे के साथ में कार्यक्रम आप हर एक सोम के और हर एक मंगल के ऐसे हर एक बुद्ध के ठीक है इतने समय से देख सकल जत ते वैसे हमरे ई कार्यक्रम में रहिए हमरे संस्कृति के बारे में चर्चा करे के साथ में हमन के समाज की विकृति काका बा और साथ में देखे हमन के समाज कैसे असल बनाए और हमरे तमाने संघ संस्था के कर्माचारी से ओ कार्यालय के ढिलासूसी के बारे में चर्चा कर जाता और इतने बार ना हो कि हमरे असल सभी समाज निर्माण के साथ में हमरे अपन जीवन कैसे सफल बना सके कि इस संबंध में हमरे चर्चा कर जाते आज हमरे एक अतिथि की भी हमरे नेता धल गिल बा आज हम लोग अतिथि बैठे हैं थारू कर्णकारी सभा जिला सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय सदस्य रामप्रिया थारू वहाँ से हमारे बातचीत कर जी और हमारे के लवी ऑफ संगरी साथ रह जी कार्यक्रम बुद्ध समुदाय टेलीविजन पर आप कार्यक्रम संसदीय सरोवर देखा जी तो वैसे कार्यक्रम में सबसे पहले आपके स्वागत कर जाता नमस्कार। हाँ तो वैसे आप थारू कर्णकारी सभा के जिला सदस्य के रूप में रह गए इतना घड़ी इससे पहले भी तमाने संस्था में काम कर चुका रहनी और इतने बरना हो कि आप नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय सदस्य के रूप में रहल गए ते इससे पहले कौन कौन संस्था में आबद रह गई हमन के थारू कल्याणकारी सभा 2005 साल में ग्रहण भइल के हो लेकिन उस समय तो हम छोट रही शायद हम खास करके हम इसे 2046 साल से थारू कल्याणकारी सभा में सक्रिय होकर कार्य करते हैं आज तक हम सक्रिय रूप से कार्य करते बाटे। हाँ तो वैसे आप कैसे सामाजिक संस्था में ऐसे संस्था में कैसे के लागल के आपके प्रेरणा मिलल हम गांव में देख ली हमन के थारू भाइन के रहन सहन चाल चलन विसंगति विकृति तो हम सोचली कि काहे ना हम सक्रिय होके कार्य करी आखिर हमारे जैसन दो चार बार थारू भाई सहयोग कर जाइ सक्रिय हो जाइ तब ना हमने थारू उनके आगे ले जा सकल जाइ तो यह सोच के हम थारू कल्याणकारी सभा में सक्रिय होके लगली। हाँ तो इसे जो इस संस्था में आप लागल गिल बा उसे हमारे कहाल गिल 2005 साल के एचू जन्म हो गठन बल के संस्था हो ते आपके कैसे लगाते हैं जिससे आप पहले से एमा आबद रह गई फिर भी इतना गरी आप जिला सदस्य के रूप में रह गई बातें कितना काम कैले कई पहले बजे सन लगा कि आपके जिससे मन में कुछ अभाव बा खटकत की अमन के समाज के खातिर अमन के समुदाय के खातिर कुछ काम कैल जैसा लगा आपके जरूर अभाव बा अमन के थारू कल्याणकारी सभा 2005 साल में गठन भेल लेकिन उल्लिखित रूप में हमारे काम करना से गलिए यहाँ तक भरश्री खिचड़ी महोत्सव बड़की त्योहारी तो इहे साल से मनावे शुरू कल गई ऐसे आगे हमारे कोनो वैसा उपलब्धि वाला काम नहीं कर। हाँ तो आपके जैसे अभी जिला सदस्य रह गई बा वैसे आपके ढेर लंबा अनुभव बा ते आप अपन संस्था के कार्य समिति के कौन हिसाब से ले जाए आवश्यक बा कि अब कहने की जैसन ओकर ही तैसन हम करब वह ढंग से ले जाए जी के ठू हमारे कितना जोखिम देखल जाते अध्यक्ष कहल जा या उपाध्यक्ष कहल जा या कोष अध्यक्ष या कोनो भी वाइटल पोस्ट कहल जा सचिव कहल जा बाकी का उस समय टू पद भर लेहे के बिला में खींचा तानी रही लड़ाई रही ओकर बाद में पद जबले हुई हैं तो खान के 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कार्यकाल ही वो भी कोनो भी काम कर नहीं सकले रही हैं उसे हमन के जो अपन समुदाय से चंदा उठा के और कोनो भी माघी पर्व कहा जा कोनो भी कार्यक्रम करी हैं बकिन का उगस्ट खास से उपलब्धि हो नहीं सकत ते आप एक कार्य समिति में रह गई बा ते कौन हिसाब से ले जाए सोच रखल गई बात आपके बतिया जरूर ठीक बा हमन के थारन में सबसे पहले ते जन चेतना जगाए जरूरी बा हमरे अधिवेशन आवाला पद लिहल जाला लेकिन दुर्भाग्य ऐसा बा कि हमरे एक तो बैठक हुई हमें उपस्थित हो नहीं सकल जाला जब तक हमरे अपने जो ये समिति बाटी जिला कार्य समिति अथवा गाँव पालिका कार्य समिति अथवा नगर पालिका कार्य समिति एक्टिव ना हो जाए तो हमारे बाकी के जो थारू भाई बाटा वन के कैसे एक्टिव करा पाते
तेमे सबसे पहले जरूरी बा हमन के कार्य समिति के एक्टिव हो तो हम यह बुद्ध टेलीविजन मार्फत हम अनुरोध करत हई कि जितना हमारे कार्य समिति की बाटी चाहे जिला हो चाहे गांव पालिका हो चाहे नगर पालिका हो हमारे सबसे पहले एक्टिव हो जाए। जब तक हमारे एक्टिव नहीं हो जाए तब तक हमारे कौन मुँह लगा के जाए जनता लगे कि तुहरे एक्टिव हुआ कह के तो अब एक्टिव तो बात हो गई तो एक्टिवो भर हो गए से ना होत बा हमन के जोन जोन कसम खाइल गई बा प्रतिबद्धता जाहिर कर गई बा प्रतिबद्धता जाहिर कर गई बा तो वो कहूँ शामिल करेगा बा कि हम चुनाव के माहौल में कौन बात कहले रहनी कही हाँ चुनाव के माहौल में कौन बात कहले रहली जन के जनता के सामने कौन बात कहले रहली कौन बात बाचा दे के यहाँ तक पहुँचली ये सब हमरे अपने आप में अपने सच्चा मन में लहल जा ओकर बाद गाँव जाइल जा गाँव देखल जा चाल चलन देखल जा ओखन के समझावल जा बुझावल जा यही से हमरे थोड़ा बहुत आगे जा सके हाँ तो वैसे हमन के जो थारू के नगरी सभा के पहले से और आज तक के खासे उपलब्धि बारे से कितना भी हमन के आलोचित हो पड़ते कि एक जातीय संगठन भय के हिसाब से भी जिसे अपन समुदाय के खातिर भी कुछ काम नहीं कर पैले वक के वैसे हमारे भी अब हर एक हिसाब से देखा जाते जो चुनावी माहौल में खींचाने के हिसाब में कितना विरोध भी हो जाते दुश्मनी भी हो जाते बोलाचाली भी बंद हो जाते तो हमन के ये करे के आवश्यक नहीं हो। हाँ तो वैसे हमारे इतना घड़ी देखा जाता कार्यक्रम संस्कृति सरोवर बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन और साथ में आठी हम संचालक राज मन के आज के अतिथि थारू कणकारी सभा के जिला सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय सदस्य हमन के राम प्यारे थारू जी बाटे हमारे वहाँ से बातचीत कर लीजिए कि हमन के समाज की विकृति साथ में जाके हमन के अपन जो सफलता प्राप्त कैसे कह सके के बारे में तो वैसे हमन के जो ओकर बाहे के आप कैसा लगते कि हमन के समाज में कौन कौन से विकृति बा कि आजकल हमन के युवा लोगन देखा जा कि कितना जने विदेश जात बाटे प्लान हो जात बाटे उस सब दो चार पैसा कमाए के सकलेत बाटे अपन आर्थिक स्थिति मजबूत बना लेत बाटे बकिन का हमन के ओकर बाहे के जे विदेश भी नहीं जात बा और यही हमन के अपन देश नेपाली में रह के कुछ भी नहीं कही पात बा तमाने प्रकार के विकृति बा जिसे लागू औसत कहल जा और हमन के उतने बार ना हो कि जिसे हमन के आज के लड़की देखल जा कि लड़का से ज़्यादा लड़की पढ़त बाटे हमन के हर एक गांव में देखल जी हर एक जगह में ते अब लड़की बैचलर इंटर डिग्री तक कई चुकल बाटे बकिन का हमन के लौंडे लोगन बाटे ओकरे कम पढ़त बाटे ओखन के तुलना में और जो पढ़ले बा वो भी एक टू दान दहेज के लोभ पर अटकल बा बाप महतारी के बात सुन के या दुनियादारी के बात सुन के तो ये हमन के एक बड़ी बहुत बड़ी विकृति जो कि हमन के भारत से आयल नेपाल में एक भीतरल ना बढ़िया कुप्रथा हो कि हमन के यदि योग्य बा या लेडीज या जेम्स हमारे कहल जा छौकिया छौका तो वैवाहिक बंधन में बांस सकी बकिन का योग्यता कैसन की मान जाता बा कि वो कितना पैसा दे सकी यानी कि बाइक कौन कौन दे सके कह के हमन के हर एक जगह में देखा जाते एक मुद्दा चलत बा कि हमन के नेपाल में कम रहे अब धीरे धीरे दक्षिण से हमन के प्रवेश कर चुकल बा ते ई कुल विकृति हटाए खातिर हमरे का कैसन कदम करे उठाए का आवश्यक बा जिसन लगता के सबसे पहले तो हम कहत हई हिमाल पहाड़ तराई हम लोग सब होली भाई भाई हमन के एक ठो जातीय संस्था गठन कैले से कोनो न तरसल जाए हमरे अपन ये जाति के सुधार के लिए हमरे संस्था खोले लीला ये कोनो असर नहीं पुरे बल्कि उखन के हमें सहयोग चाहिए हमन के ब्राह्मण समाज से सहयोग चाहिए क्षेत्रीय समाज से सहयोग चाहिए मगर समाज से सहयोग चाहिए बिना सहयोग उखन के पहले हमरे शायद हमें लागत हमारे संस्था मजबूत नहीं कह पाई कहा से हमारे पिछड़ जाते होली पिछड़े जाते होली के नाते शीशा दिशा ले तो नहीं से पूछे करी आए जा समाज से नहीं तो अब मेहनत करे में तो थारू पीछे नहीं बाटे इतना हार्ड से हार्ड काम करत अटे जितना हार्ड काम देखल जा मशीनरी होल अथवा घर बनाए में होल रोड विभाग होल हर एक हार्ड से हार्ड काम करत अटे कम यो होत बा लेकिन ये अब शिक्षा दीक्षा न होने कारण बचत नहीं कर पावत अटे तो बचत बिल्कुल बचत करे अपन घर बनावे तो हमन के दूसर जातीय से सीखे जो करत अटे
उन्हें एक हिसाब से हमन के मार्गदर्शक होले तो हम से हमन के पूछवो पड़ी सहयोग मांगे पड़ी तो आप लोगन सहयोग देह पड़ी देश निर्माण के लिए हमन से सहयोग लेह पड़ी काहे से थारू लोग देश के बहुत मुहापत है हम एक उदाहरण बा अपन श्रीमती के लेके गेल रही वहाँ पहाड़ सिपा दुराली और इतना खुशी भइल पहाड़ देख के कहा था हमारे एक टू घर बना दा हम ये रहा इतना सुंदर पहाड़ बा तो अनुमान लगा दल जा थारू कितना मुहाला नेपाल के बहुत ज्यादा मुहाला अब इतना मुहाला वाला जाति पीछे रह जी है तो देश कैसे आगे बढ़ी तो इकोनोम के समेट के चल जा जैसे हमारे चार बेटवा आते हैं चारों बेटवा शिक्षित हुई है लगन चार हुई है तब ना घरवा बनी उसे देश की बात हो गई अब कुल जन कहा कि तू पीछे रह हम आगे चली तो यही हालत से देश आगे नहीं चली कहा से मेहनत कर रही है थारू होना खेती कर रही है थारू होना घर बन रही है थारू होना मशीनरी कार कर रही है थारू होना हार से हार ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे वाला थारू होना अगर थारू के अपेक्षित के दहल जाए थारू के पीछे पार दहल जाए तो देश विकसित हो लगभग और कितने साल लग जाए हाँ तो वैसे हमन के जो ना हम ऐसे पहले भी कह चुके हानि कि जो हमन के समाज में तमानी विकृति बा हमन के जात भीतर भी विकृति बा जैसे हम कह कि अब लड़की पढ़ल बाटी बिजल कर बाटी इंटर कर बाटी बकिन को शादी ब्याह बने से हिसाब से नहीं हो पा लौंडे और अनेक किस्म के जो ना धन दौलत मांगत बाटी तो उस सबके खातिर हमन के कैसन प्रकार के कार्यक्रम लेने से आवश्यक बा हमन के समाज में थारू कलाकारी और से होल या आप व्यक्तिगत या कौन समूह से कैसन में के हमारे कार्यक्रम कल जी कार्यान्वयन कल जी ते हमन के जो असल सभ्य समाज के निर्माण हो सके हमन के विकृति हट सके हम अपन व्यक्तिगत विचारधारा रखा था या थारू कल्याणकारिणी सभा को ओर से बोलते हैं ये एक तो बहुत बड़ी विकृति आ गई पहले हमन के थारू में नहीं रहली ये पछुआ हवा दखिनहा हवा आके हमन के भेटले बा तो यही से हमन के गाँव गाँव जाके थारू भाइन लग जाके ये हमन के पाठ सिखाए जरूरी बा कि हमरे एक होली शादी ब्याह में इतना खर्च न कल जाए इतना खर्च कह के दहेज लेल जाए अथवा बिटिया दहेज लेके जाई तो अपने नैहरवा तो मार के जाई कोनो दूसरे के नहीं अपने थारू भाई पीछा पड़ी तो हमन के आगे के बढ़े हुआ हमरे पछुआ हवा दखिना हवा से प्रेरित हो जाए तो हमरे आगे नहीं बढ़ सकल जाए तो आप लोगों से यह विनम्र अनुरोध बा शादी ब्याह जो पहुना पाखा माना दुनिया भरी खर्चा कर जाला और एक कप चाह में होन हा खर्चा हमरे हजारों रुपया दारू मास में उड़वा दहल जाला यह रोज के खर्चा से हमरे पीछे पड़ल गिल बा तो में जन हमन के जन चेतना हो बहुत जरूरी बा तो थारू भाई लोगों से हमें विनम्र अनुरोध बा खाए पिए तो बहुत जरूरी बा कमाल जाता खाया जाता लेकिन इतना ना खाया जाए कि धान ना पाए जाए अपन ओढ़ना हिर के हमन के गोड़ता नल जा ते उसे हमन के इतना गरीब बातचीत कर जब हमन के लग बाटे आज थारू लकड़ी सभा जिला सदस्य रामप्रिया थारू हमरे वहाँ से बातचीत कर जब वैसे हमन के आगे के दिन में आवला दिन में जो कि हमन के थारू लकड़ी सभा बा हर एक हिसाब से कार्यक्रम करते ते मा अन्हा दिन में कैसन मेरे के कार्यक्रम करे के आप सलाह धा जी जो कि आप सब कार्य समिति भीतर हल गिलवा सबसे पहले ते नेपाल सरकार से हमारी है अनुरोध बा थारू आयोग संविधान में लिखा गिल बा लेकिन अभी तक थारू आयोग बनल नहीं बा एक जल्द से जल्द थारू आयोग बनाएल जाए केंद्र में हुए या प्रदेश में हुए और दूसरा अनुरोध ही बा कि जब थारू आयोग बनी तो आयोग में नीचे से लेकर ऊपर तक ऊपर से लेके लेके नीचे तक जितना पद तक अधिकारी बाटे तब थारू के रखल जाए तब थारू के कल्याण होगी कहे से थारू के मर्म थरवे बुझी नहीं दूसरा बात ये हुई कि थारू ज्यादा से ज्यादा कृषि में निर्भर बाटे खेती के खवैया वाला तब नेपाल सरकार से यह अनुरोध हुआ कि कृषियों में ज्यादा लगानी कल जाए
नया मॉडल बनाएल जा कि हमरे कृषि खेती कई पाई अब देखा जाए तो बरखा वाला गोछू पैसों ले ले जाल जला मोल खाद नहीं मिलता ट्रैक्टर के इतना भाव बढ़ जाता है डीजल बढ़ने से जुता नहीं पावल जाता न ट्रैक्टर खरीद पावल जी न जुता पावल जी न मोल खाद मिली तो खेती कैसे लागी तो यो बारे में सरकार के हम ध्यान आकर्षण करावत हई कि नेपाल सरकार एक कृषि प्रधान देश बनावे आ कृषि में ज्यादा से ज्यादा लगानी लगाए आ खास करके अब कृषि में थरुए होना अब थरुए बखरा मांगल लिखा हो जाता एक लिए विनम्र अनुरोध बा ते ओसे हमन के समाज में तमाने से विकृति बा अब कितना जने जो हम भर के बात उठेली कि पीड़क कहा जा हमरे दहेज जे नाई पहले बा कम पहले बा वो भी अपन जो मेहरारू बाटें ओखन के तरसाद बाटें मतलब हर एक हिसाब से दंड देत बाटें मानसिक यातना या सारी के इतना देर बाँचें और जे ब्याह करे वाला बहु भी जो एक तो दहेज के लोभ में पड़ल बा उस सबके खातिर कम चीज संदेश देख सहल जाए एक लिए हम एक तो हम उदाहरण देते हैं हमार बेटवक ब्याह भेल तो कैसे थारू आगे बढ़ी है तो हमन के ठो थारू ब्राह्मण रहन थारू ब्राह्मण लियान के हम ब्याह करौली आ जो न्योतवा खाया वाला है जो बेटवन के ब्याह में बिटियों के ब्याह में पैसों का लिया जाला वो हम बंद करा दिली यह विकृति हो एक तो विकृति हो व्यापारीकरण का हाँ आ जो दहेज वहेज के प्रथा बा ये तो बिल्कुल हम शुरुआत कही दे हैं हम अपन व्यक्तिगत के तरफ से आ थारू कल्याणकारिणी सभा तरह से वहाँ बातों उठल बा हमारे एक बारे में अब योजना बनाया जाता योजना बनाया जाता जनचेतना कार्यक्रम आगे कैल जाए जल्द से जल्द ये विकृति हमारे हटाओ जाए तो इसे जो हमन के समाज की विकृति हटाए के खातिर सबसे पहले तो हमन के ये छाता संगठन कहा जाए थारू टाकरी सभा आप सब भी अपने हिसाब से आगे बढ़ जाइए जरूर हमन के असल सभी समाज के निर्माण हो सकी वैसे जो हमन के विगत के गलती के ओके फिर से हमारे स्मरण कह के आने वाला दिन में वैसा गलती ना हो जो कि अभी तक खासे एक बढ़िया से काम ना कही पैल बा और ऐसे फिर से गलती ना दोहराए और आना दिन में भी एक उदाहरण बन के रहे कि अमन की ओर से एक शुभकामना देख चाहत बा ते वैसे आप कार्यक्रम में आ गए एक लिए आपके अमूल्य समय के खातिर धन्यवाद देख चाहत बा हाँ ते वैसे हमरे इतना घड़ी देखल गई कार्यक्रम संस्कृति सरोवर और आज हमारे लगे अतिथि रहने राम प्यारे चौधरी वहाँ नेपाली कांग्रेस के क्षेत्रीय सदस्य एक साथ में थारू कांग्रेस सभा के जिला सदस्य ऐसे हमारे ये कार्यक्रम मार्फत हमन के समाज की विकृति कैसे हटा सके और असल सभ्य समाज निर्माण के करते हमारे का करे परी इस संबंध में चर्चा कर जाते आप भी देखते रहिए बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन ऐसे हम संचालक राज और साथ में जाके हमन के कैमरा पर्सन पी वी सोमई उनके विशेष धन्यवाद देते आपके भी कार्यक्रम देखने से धन्यवाद देते हम संचालक राज भी आपसे विदा होते हैं नमस्ते।